लस्सी पी रहे हैं, लस्सी का मजा भी ले रहे हैं। अच्छा। ऊपर इस पे जब मलाई रहता आहा पूछिए मत। थोड़ा हंस के जियो, रावण के तरह हंसते रहो। मैं ये क्या डाल रहा? गुलाब। नौगछिया में बहुत फेमस दुकान है इनका, बहुत सारा भीड़ है, बहुत लोग पी रहे हैं यहाँ पर लस्सी। एक एक करके इलायची पाउडर भी डालते हैं कि जो एक बार पी ले जी तो जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। अच्छा। ऐसा लस्सी मुझे लगता है कि कम जगहों पर मिलता होगा। लस्सी का क्वालिटी देख सकते हैं, ये लस्सी है, ऊपर से ये मलाई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज मैं आपको लेकर आया हूँ नौगछिया शहर के एक ऐसे शॉप पर जहाँ का लस्सी काफ़ी टेस्टी होता है। लोकेशन की बात करें तो मैं अभी खड़ा हूँ नौगछिया के महेंद्र लस्सी चौक पर। तो चलिए चलते हैं और दिखलाते हैं यहाँ के लस्सी को किस तरीके से तैयार किया जाता है और क्या टेस्ट होता है। ये बर्फ डाल दिए हैं। ये क्या डाल रहे हैं अंकल? मीठा है, चाशनी डाल रहे हैं, चीनी का बना हुआ। ये क्या डाल रहा है? गुलाब जल। चाशनी गुलाब जल को दही और बर्फ में मिक्स किया जा रहा है। 1 by 1 करके एक एक करके गिलास में डाल रहे हैं अंकल लस्सी को। देखते हैं किस तरीके से बनाया जाता है, यहाँ पर लस्सी को किस तरीके से तैयार किया जाता है। ये मलाई डाल रहे हैं ना अंदर? अच्छा, आप क्वालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बैठिए। तो 1 by 1 करके मलाई डाल रहे हैं लस्सी के ऊपर। क्वालिटी देख सकते हैं लस्सी का। ये गुलाब जल डाल रहे हैं ना? जी। अच्छा ठीक है। ये क्या? केसर। अच्छा केसर, देख सकते हैं केसर जा रहा है। अपना का 5 गिलास बैठिए ना, बैठिए। ये क्या डाल रहे हैं? अच्छा गुलाब जल है। 2 गिलास ये इलायची पाउडर। अच्छा, एक एक करके इलायची पाउडर भी डालते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, बहुत सारे लोग यहाँ पर लस्सी पी रहे हैं। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं क्वालिटी का। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम संकेत कुमार है। अच्छा, क्या लस्सी पी रहे हैं ना? जी, बहुत अच्छा लस्सी। आज यहाँ 50 साल से दुकान है, लेकिन हम बच्चे थे यहाँ पे पी रहे हैं। अच्छा ठीक है। सब दिन के जैसा वैसा ही हमेशा टेस्ट रहा है और बढ़िया टेस्ट रहा है। नौगछिया में बहुत फेमस दुकान है इनका। जी जी, कोई कंपटीशन ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा, क्वालिटी के बारे में क्या बोलेंगे? क्वालिटी के बारे में बहुत अच्छा रहता है टेस्ट आपका लस्सी का। ऊपर इस पर जब मलाई रहता है आहा पूछिए मत। और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है, बहुत लोग पी रहे हैं यहाँ पर लस्सी। कुछ बोलेगा चाचा, कैसा लस्सी है? अच्छी लस्सी। ठीक है ठीक है। कितना दिन से पी रहे हैं आप लस्सी यहाँ पर? करीब 2-3 साल से। 2-3 साल से पी रहे हैं आप अंकल? हम भी 2 साल से पी रहे हैं। टेस्ट के बारे में क्या बोलेंगे? बहुत अच्छी। आप बताइए कुछ। बढ़िया है। अच्छा है ना? हाँ, बहुत अच्छा है। नमस्ते अंकल। नमस्ते, कैसे हैं? अच्छे। क्या क्या पिलाते हैं आप? लस्सी पिलाते हैं। सिर्फ लस्सी? सिर्फ लस्सी, दही का बना के पिलाते हैं। अच्छा, लस्सी में क्या क्या मिलाते हैं? क्या खास रहता है आपकी लस्सी में? हमारे लस्सी में खासियत यही है, शुद्ध दही और शुद्ध भैंस का दही का अच्छा लस्सी बना करके हम लोगों को पिलाते हैं। अच्छा, शुद्ध भैंस की दूध की होती है दही? जी, ठीक है। कितने साल पुरानी है ये? आपके 1970 से। 1970 से चला रहे हैं आप? आप ही चला रहे हैं? आप ही चला रहे हैं, हम ही चला रहे हैं। क्या क्या प्राइस रहता है लस्सी का? 40 रुपये गिलास है। 40 रुपये गिलास। एड्रेस क्या रहेगा? महेंद्र लस्सी भंडार। अच्छा, महेंद्र लस्सी चौक नाम ही है? हाँ जी, यहाँ पर। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर महेंद्र लस्सी चौक के नाम से ही इनका मशहूर है। हमारी लस्सी को ऐसा है कि जो एक बार पी ले जी तो जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। अच्छा, तो कहीं भी पिएगा तो मेरा टेस्ट हमारे लस्सी का ज़्यादा मिलता है, कहीं नहीं मिलता। ये टेस्ट कहीं दूसरे जगह मिलता नहीं है। बहुत यूनिक किस्म का और एकदम शुद्ध लस्सी तैयार किया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर दही का वैरायटी आप देख सकते हैं, क्वालिटी देख सकते हैं, काफ़ी गाढ़ी गाढ़ी दही है। जब स्टार्ट किए थे अंकल तब कितना प्राइस था ये? 50 पैसे से। 50 पैसे से? अच्छा, कितना गिलास सेल हो जाता है आपका रोज़ाना? वो होता है लोगों के पास, दुकानदारी रहा वैसा जी, मार्केट के एवरेज। यहाँ पर कुछ लोग लस्सी पी रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ का लस्सी का क्या टेस्ट रहता है। क्या लस्सी पी रहे हैं क्या? हाँ, लस्सी। कैसा टेस्ट होता है लस्सी का? बहुत बढ़िया टेस्ट है। नौगछिया का जो है बहुत बढ़िया लस्सी इस जगह में। अच्छा, कितने दिन से पी रहे हैं आप? हम तो बहुत दिन से पी रहे हैं। बहुत दिनों से पी रहे हैं। यहाँ पे क्वालिटी कैसा रहता है? क्वालिटी बढ़िया है। बढ़िया। क्या नाम हुआ? हमारा नाम हुआ कन्हैया पोद्दार और घर हुआ तुलसीपुर। अच्छा, क्या लस्सी पी रहे हैं क्या? हाँ, लस्सी पी रहे हैं, लस्सी का मजा भी ले रहे हैं। अच्छा, मजा भी बहुत मस्त है। अच्छा, मस्त ऐसा है। कितना दिन से पी रहे हैं यहाँ का लस्सी? हाँ, कम से कम 20 साल से। 20 साल से। टेस्ट के बारे में कुछ बताइए दोस्त। टेस्ट एकदम मस्त है। मस्त है ना? चलिए, और कुछ बोलेंगे? और सब ठीक है। और सब ठीक है। अगर जिंदगी में जीना है थोड़ा हंस के जियो, रावण के तरह हंसते रहो, मैं के तरह गरजते रहो, तब दुनिया से चले जाओ, यही हुआ जिंदगी में। मेरा ही जान है लस्सी। यहाँ पर भी कुछ लोग लस्सी पी रहे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ का लस्सी का कैसा टेस्ट रहता है। कुछ बताइए लस्सी के बारे में, कैसा टेस्ट है? बहुत बढ़िया टेस्ट है। बहुत बढ़िया। नौगछिया मतलब फेमस दुकान है यहाँ पे। फेमस दुकान है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नौगछिया का सबसे फेमस दुकान है लस्सी के मामले में। अगर आप लोगों को भी लस्सी अगर कभी पीना है तो यहाँ पर ये लस्सी लगातार बन रहा है और लोग पी रहे हैं चाव से, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना अच्छा लस्सी हो सकता है। ये लस्सी का क्वालिटी देख सकते हैं, ये लस्सी है, ऊपर से ये मलाई दिया गया है, इलायची का पाउडर है और ये गुलाब जल के साथ पूरा मिक्स करके दिया गया है। अब इसको ट्राई करते हैं यहाँ का लस्सी कैसा होता है। काफ़ी नाम सुने हैं, नौगछिया का है ये लस्सी। अब इसको पीकर बताते हैं आपको कैसा टेस्ट होता है। एक बार और टेस्ट करते हैं, उसके बाद आपको रिव्यू बताती है कि इसका कैसा टेस्ट है। काफ़ी अच्छा टेस्ट है, एकदम शुद्ध भैंस के दूध की बनी हुई लस्सी है। ऐसा लस्सी मुझे लगता है कि कम जगहों पर मिलता होगा, क्योंकि टेस्ट और क्वालिटी से पता चल रहा है कि लस्सी का क्वालिटी क्या है। अगर आप लोग को भी विजिट करना है नौगछिया का महेंद्र लस्सी चौक पर आ सकते हैं और यहाँ का लस्सी एक बार ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी फेमस है यहाँ का लस्सी। आप लोग एक बार ज़रूर विजिट करें